दोस्तों हमें लगता है कि हमें ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका धर्मेन, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेस्टनेट में। तो दोस्तों आज फर्स्ट कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि भाई तू गूगल टाइम नहीं दिखाता है, तो आज अच्छा नहीं लगता यार रोज़ गूगल टाइम दिखाऊं मैं, पर आज दिखाई देता हूँ आप लोगों को। आपको भी पता चलेगा कि भाई आपका कितनी नाइट को आके शूट करता है। तो दोस्तों ये 1:52, ये रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, दिख रहा भाई? हाँ दिख रहा भाई, ये वे रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों हमारे गांव के पवन भाई है और उज्जवल पंकज गए हुए हैं कुछ काम से, एग्ज़ाम्स चल रही है, पता नहीं क्या काय की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए भाई हमारा साथ दे रहे हैं। तो उनको थैंक यू बोलना है कमेंट्स में पवन भाई को कि उसकी वजह से ही मैं शूट कर पा रहा हूँ और आपके लिए रोज़ रेगुलर वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो लोकेशन की कहानी ये दोस्तों, सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ इस लोकेशन पे आर के आर सर विजिट कर चुके हैं, उसी लोकेशन पे आज आपका भाई खड़ा है। इसकी स्टोरी कहानी जो मैंने आसपास के लोगों से सुनी है, लोग बोलते हैं कि भाई एक लेडीज़ थी और घर का झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह से गुस्से में उसने अपने ऊपर घासें डाल के आग लगा ली और वो जल गई इसी में। तब से दोस्तों आसपास का एरिया देखोगे पूरा खाली पड़ा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अमावस्या के दिन यहाँ पे देखी जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो रोती है, बहुत देखो अलग अलग बातें बोलते हैं लोग। अब यही पता करने के लिए दोस्तों हम यहाँ आए हैं, फालतू की बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मेन मुद्दे की बात करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स में चिल बाबा चिल लिखना। चलो भाई एक बात बताऊं कौन भाई? हाँ भाई, मैंने हमेशा देखा है ये 12 से 2 बजे का जो टाइम रहता है, ये सच बता रहा हूँ, 12 से 2 बजे का टाइम दोस्तों इतना पावरफुल होस्ट वाला रहता है टाइम कि रियली आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि बहुत बार 2 बजे नींद खुल जाती होगी ऑटोमेटिक। और इसी टाइम में अभी वापस एक्टिविटी हुई है, खैर ये हमारा रोज का काम है दोस्तों, आपके लिए भी आप भी व्लॉग देखते हो और एक आदत से पड़ चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर स्टे करेंगे और मैं चाहूँगा बेस्ट से बेस्ट दो इस टाइम बेस्ट है। चलना यार कौन है? दोस्तों माफ करना यार, या हमारा कैमरा स्टैंड पे था और पता नहीं कुछ टेक्निकल वजह से बंद हो गया था, तो वापस उसी टाइम कंटिन्यू किया है। तो भाई चलें चल। मकान देखते हुए लगता है भाई कि काफ़ी पुराना घर है, ये भी टूट रहा है देखो, 10 मिनट हो गया है भाई। इधर इस रूम में क्या हो देख क्या हो भाई, गेट खुला था ना? हाँ भाई,
बाप रे दोस्तों, हालत की क्या बात करें इसकी। कौन भाई? बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल हो रखा है भाई। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी शायद, खिड़कियां जो थी इनके इधर दीवार से बंद कर दिया गया है। और देखो ये वाली खिड़कियां, देखो ये वाली खिड़की में भी हालत होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही जजमेंट था दोस्तों, वहां देख के समझ गया था मैं, खिड़कियां बंद होती है ना, लेकिन इसका जो पीछे की जो दीवार है गांव के लोगों ने उसको बंद करवा दिया है। इसकी वजह यही है, ये घर भाई छत का, ये देखो आप बरसात की वजह से दोस्तों दीवार भी ऐसी हो रही है, मतलब आप समझ सकते हो नमी से, कि हमको ही डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हम दोनों भाइयों के साथ कुछ घटना हो जाए। तो आगे विजिट करते हैं और एक बार भाई एक बार कैमरा इधर दिखा दो यार अंदर, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। भाई आराम से, कौन है? भाई हवा भी चल रही है यार, हवा भी चल रही हो सकता है, हवा की वजह से गेट लग रहा है। भाई इधर देखो रुकने, कौन भाई तुम ये देना, छत कच्चा है ऐसा ना हो कि धस जाए। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ना, ये छत इतना कच्चा है दोस्तों कि पूरा वाइब्रेशन कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा उधर खड़ा रहे। आपको पूरा दिख रहा होगा, उम्मीद भाई दिख रहा है ना पूरा? बिल्कुल पूरा दिख रहा है भाई। तो दोस्तों ऊपर का जो नज़ारा आप देखो, एक पीपल का पेड़ है और कहते हैं कि पीपल के पेड़ों पे भूतों का बसेरा रहता है। भाई दिखा दो, कहते हैं दोस्तों पीपल के पेड़ों पे भूतों का बसेरा रहता है। अब ये एक्टिविटी सिर्फ दो बार हुई है दोस्तों, सिर्फ दो बार एक्टिविटी हुई है, उसके अलावा अभी यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ ये जरूर है दोस्तों, महसूस हो रहा है कुछ तो है, यहाँ कुछ तो है। और भाई इधर का भी कुछ है इसमें, ये टूटा हुआ है, एक मिनट में दिखा देता हूँ। आप ऊपर मत आना है ना? नहीं भाई ऐसा, यार छत बहुत कमजोर है दोस्तों। ये पेड़ है और ये छत काफी कमजोर हो रहा है, देखो आप, और ये यहाँ से टूटा हुआ भी है ये वाला हिस्सा। और मैं नहीं चाहता दोस्तों कि हम दोनों भाई आए, क्योंकि लकड़ी का है ये और वाइब्रेशन कर रहा है पूरा। बाहर का नज़ारा भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कहते हैं कि पीपल के पेड़ के ऊपर भूतों का बसेरा रहता है। अब ये बात कितनी सच है कि या मिथ्या है, इसका हम जरूर पता लगाएंगे, हम देखते हैं। चलो बात करने की कोशिश करते हैं इस लोकेशन पे। लो भाई आप यहाँ खड़े रहना पवन भाई, ठीक है? ठीक है। अगर आप यहाँ पर हो, कोई सी भी शक्ति, कोई भूत प्रेत कोई भी, तो क्या आप आपके होने का एहसास दिला सकते हो?
क्या आप आपके होने का एहसास दिला सकते हो? आप आपके होने का एहसास दिला सकते हो? दोस्तों यकीन करना, फील हो रहा है, बिल्कुल फील हो रहा है कि कुछ तो है यहाँ पे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जो कोई सी शक्ति है। अभी तक बहुत सारे लोकेशन पे गए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है पूरा। क्या लगता कौन मिल जाए आपको? क्या इसलिए आत्मा को मुक्ति मिल गई हो? ऐसा लग रहा है भाई यार, अचानक से ना हवा चल रही है। दोस्तों हमें लगता है कि हमें नाइट यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, 3-4 घंटे बाद सुबह होगी और तभी हम घर जा पाएंगे। समझ नहीं आता है कि कुछ तो ऐसा एहसास हो रहा है दोस्तों, कुछ तो ऐसा एहसास हो रहा है, अजीब सा फील नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल मनुष्य का मतलब होता है ना अंदर, ऐसे लग रहा है कि कोई अपने आसपास घूम रहा है, कर रहा है। दोस्तों एक बात समझ नहीं आ रही है, कसम से आपके आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, हमारा वीडियो एक तो नीचे ऑटोमेटिक चलते चलते रुका और एक अभी क्यों बंद भाई, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं ऑटोमेटिक कट रहा है बार बार। और ये बात मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, वरना कुछ बोल देंगे भाई ऐसा वैसा सब, क्योंकि दोस्तों मैं रियल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ है, अगर कुछ होता है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर होती है दोस्तों। तो मुझे बिल्कुल ये पूरा जो मकान है पूरा मुझे लगता है कि ये मुक्त हो चुका है आत्मा से, और जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ कहानी मिथ्या ही हो चुकी है। हो सकता है कि पहले यहाँ पे आत्मा थी और अब वो आत्मा चली गई होगी, हो सकता है ये भी। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आत्मा इतने साल तक क्या करती, तो हो सकता है कि उसकी मुक्ति हो चुकी होगी, उसकी उम्र पूरी हो गई होगी, वो भटकना बंद हो गई होगी, कुछ हो सकता है। तो मुझे मैं इस स्टोरी को जो गांव के लोग कहते हैं तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि ये हॉन्टेड लोकेशन, यहाँ गेट बजा था तो हो सकता है कोई जानवर की वजह से बजाओ, पुराना घर है, या फिर हो सकता है हवा की वजह से बजाओ। हाँ नॉर्मल है दोस्तों, जैसे हवा चल रही है, पेड़ हिल रहा है, तो ये हमेशा भूतों का काम नहीं होता, कुछ ना कुछ तो हवा का जानवरों का काम होता है। तो मैं इस वाले लोगों पर भाई आवाज क्या क्या पता नहीं भाई, ऐसा लगा कुछ गिरा है। अच्छा तो दोस्तों वो कच्चा घर है, कुछ ना कुछ गिरता रहेगा उसको, तो मतलब मैं तो साफ बोल रहा हूँ आपको कि ये लोकेशन पे कुछ भी नहीं है। बाकी वही पवन भाई आपको कुछ क्या लग रहा? पर हाँ ये चीज़ है अंदर से दोस्तों, मायूसी इतनी भयंकर हो रही है कि आपको कह नहीं सकता हूँ मैं, मतलब ऐसा लग रहा है ना किसी से हमदर्दी लेना भाई। चले फिर। हाँ भाई जब से मैं बाहर से आया हूँ ना, जब से ऐसा लग रहा है मेरे को। उठाओ भाई कैमरा। दोस्तों वेट करते करते ये आपको क्लिप छोटी बना के भेज रहे हैं, वरना हमको लगभग टाइम हो चुके थे इसके पहले भी 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे से दोस्तों मानोगे नहीं आप, हम सिर्फ ऐसे बैठे, कभी इधर बैठ रहे हैं कभी उधर बैठ रहे हैं। और भाई देखो हाँ, यहाँ पीपल का पेड़ है, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज हवा चल रही है जैसे। नहीं पवन भाई मैं मानता हूँ कि हवा से ही हो रहा होगा, लेकिन हर चीज़ में अपन भूत का डर समझे, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। क्या बोलते हो? ये दोस्तों ये बात तो आपको बताता हूँ, ये तो हवा से हिल रहा है नॉर्मल, हम फालतू की शंका करेंगे और शंका का ही भूत रहेगा दोस्तों, ये सच बता रहा हूँ मैं। अगर आपने शंका कर ली कि भूत है यहाँ पे, तो रियल बता रहा हूँ वो भूत सामने आ जाएगा। तो भाई पवन भाई हाँ वहीं से चलते हैं। आ जाओ भाई। हाँ चलो तुम्हारे पास लाइट है भाई, आगे एक सेकंड। भाई
भाई। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम मॉर्निंग तक बैठेंगे क्योंकि रात का सफ़र करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो यहाँ रात बिताने की सोच रहे हैं। अगर कुछ और कुछ भी कैप्चर हुआ तो हम वापस कैमरा ऑन कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।